जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप भी बता सकते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा 1984। 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस सन को याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। निशानेबाजी के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? जहां पर निशानेबाजी खेल जो प्रतियोगिता शुरू की जाती है, खेली जाती है, उस मैदान को क्या कहते हैं? उस मैदान को कहते हैं रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री। एफ्रो एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया? तो एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम भारत में, लेकिन भारत में कहां पर? हैदराबाद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे की। जी हां, आप भी गेस कर सकते हैं। प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया, यानी सन बताना है। प्रथम वनडे यानी प्रथम एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया, इसका जवाब क्या होगा, ये आप भी बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। तो सही गेस किया आपने। प्रश्न नंबर पांच अब देखिएगा क्या है। कोनिका कप, कौन सा कप है? कोनिका कप किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। जो कोनिका कप है ये किस खेल में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर छठवां। खो खो के मैदान में कुल कितने क्रॉस लेंस होते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। बिल्कुल सही बताया आपने। और खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहां पर की गई या कहां पर है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्वालियर। कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक, प्रश्न नंबर 8। विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन भारत किस वर्ष बना, यानी भारत ने पहला विश्व कप किस वर्ष जीता था, वो भी क्रिकेट वाला? तो बिल्कुल सही कहा आपने, 1983 में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम ये है अमेरिका में, और ये किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम अमेरिका में है और ये किस खेल से संबंधित है, इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। फ्लसिंग मीडोज किस खेल से संबंधित है? तो फ्लसिंग मीडोज जो है ये भी लॉन टेनिस से संबंधित, ये जो है फ्लसिंग मीडोज जो है ये भी लॉन टेनिस से ही संबंधित है, लॉन टेनिस। ठीक है, तो 10 में से आपका कितना सही हुआ, आप भी गेस करते रहिए। उधर भी 10 दिया गया है, उसमें भी आप पहले चेक कर लीजिए कि आप कितना सही कर पाते हैं, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा क्या है। आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, ये बताना है। प्रश्न नंबर 11 है, आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कहते हैं रिंग। ठीक है, डेविस कप की शुरुआत, कौन सा कप है ये? डेविस कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई, ये बताना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1900। ठीक, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष हुई थी? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सन 1900। सन 1900 में पेरिस ओलंपिक से महिलाओं की भागीदारी हुई थी ओलंपिक खेलों में। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, महिला पुरुष दोनों खेलते हैं, कौन सा ऐसा खेल है जो महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं? उस खेल का नाम है, बता सकते हैं आप भी, कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जो महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, स्वैथलिंग कप, कौन सा कप है? स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। जी हाँ, महत्वपूर्ण चीज है, नोट भी करते चले, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन भूल जाते हैं, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास जितना ही करेंगे आपसे कम से कम गलती होगी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, परीक्षा में हम वही प्रश्न भूलते हैं जो याद रहता है, वो आप नहीं भूलेंगे जो आपको याद ही नहीं है, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। ठीक है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया, यह पूछा जा रहा प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। तो 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व में जो है प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर यह पूछ ले जाए कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था, तो 1896 में, ठीक है ना, वो भी एथेंस में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, माई साइड ये आत्मकथा है, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जल्दी बताएं, डेविड बेकहम। ये फुटबॉलर है डेविड बेकहम का, ये माई साइड जो आत्मकथा, ये डेविड बेकहम का है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, आइस हॉकी के प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी के प्रत्येक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है, तो प्रत्येक टीम में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं, कितने? 6 खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल्फ के मैदान में कुल कितने होल्स होते हैं? कुल कितने होल्स बने होते हैं? 18। ठीक है, और प्रश्न नंबर 20 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी जो होती है 26 मील। 26 मील, इसके अलावा और भी क्या कह सकते हैं, 385 गज। 26 मील, 385 गज, अगर मील में पूछा गया तो इस तरीके से आपको जवाब देना होगा। तो ये थे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।